साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे, एक ऐसी जगह जहां उत्सुकता को समाधान मिलते हैं, जहां शिक्षा का मनोरंजन से मिलन होता है, देश का सबसे बड़ा विज्ञान धाम बनके प्रवासी आकर्षित करने में सफल गुजरात साइंस सिटी समाज को विज्ञान से जोड़ने में कार्यरत है। युवा दिमागों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करने के लिए गुजरात साइंस सिटी की अवधारणा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित गुजरात साइंस सिटी 264 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें ज्ञान के प्यासे के लिए बहुत कुछ है। गुजरात साइंस सिटी में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का एकदम सही मिश्रण है और यही कारण है कि ये लोगों को आकर्षित करता है। आज गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में गुजरात साइंस सिटी फल फूल रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का मार्गदर्शन गुजरात साइंस सिटी को नई ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क को एक यादगार अनुभव देने के लिए डिजाइन और क्यूरेट किया गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के आह्वान की साफ झांकी देखने को मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नए भारत की कल्पना की है। यही बात को शिक्षा एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री जीतू भाई वाघाणी अपने परामर्श से गुजरात साइंस सिटी के लिए साकार करने में जुटे हैं। गतिशील गुजरात की वैज्ञानिक गति को आगे बढ़ाते हुए गुजरात साइंस सिटी ने अपने पंख फैलाए हैं और ये आपको विज्ञान के माध्यम से सक्रियता, रोमांच और ज्ञान की आनंदमय सवारी पर ले जाने को सक्रिय है। असीमित मनोरंजन के माध्यम से विज्ञान सीखे और उसका आनंद ले। साइंस सिटी जो इन्हें हमें घना अमेज थी गया। इसके पहले मैं सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही ऐसे एक्वेरियम देखा था।